दोस्तों देख सकते हो इधर बहुत ही ज्यादा मतलब कोहरा छाया हुआ है और अभी इस वक्त गाड़ी बहुत ही मतलब कम दिख रही है। लाइट वगैरह हम लोगों ने चला दिया है क्योंकि भाई लाइट जलाने से क्या है, आदमी को पहले पता ही चल जाएगा सामने वाले की गाड़ी आ रही है ऐसे टाइप का। फाइनली दोस्तों हम लोगों को खाना भाई आ चुका है यहाँ पर, मेरा मिक्स वेज है अजीत भाई दाल तड़का, मतलब दोनों साथ ही में खाएंगे। और भाई लोग क्या हालचाल, सुबह की गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तुम्हारे नए ब्लॉग में स्वागत करता है फिर से आप लोगों का अजय भाई, आ चुका है एक और नई वीडियो लेके। तो इस ब्लॉग में क्या होने वाला है मेरे को भी पता नहीं है भाई, लेकिन कंटिन्यू आप लोग भाई मेरे चैनल पर बने रहो एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अजय ब्लॉग 04 को, क्योंकि दोस्तों हमारी ट्रैकिंग लाइफ से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो प्लीज़ यही चाहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी इतना दिन नहीं आया ब्लॉग उसके लिए दिल से सॉरी। और कल ही मैं गाड़ी लेके निकला हूँ 25 तारीख को, और आज है दोस्तों 26 दिसंबर। तो दोस्तों आज की जर्नी हम लोग की भाई रहने वाली है रांची की, जो कि कल ही लोड करके निकले हैं। और प्लस ये हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी गैरेज में खड़ी हुई है, उसके बाद में इस गाड़ी को हमको छोड़ना है गैरेज में। इसको होगा भाई 22 फीट और हमारे गाड़ी का थोड़ा सा काम हो रहा है, उसके बाद में हम लोग अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे इस चक्कर को मार के। लेकिन इस चक्कर में आप लोगों को भाई कुछ नहीं मिलने वाला है देखने के लिए, मतलब मिलेगा लेकिन कुकिंग से रिलेटेड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बर्तन वाड़ा है नहीं तो इसमें कुछ नहीं बन पाएगा दोस्तों, उसके लिए दिल से सॉरी है। और बाकी अजीत भाई हमारे साथ में है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो अजीत भाई हमारे साथ में। और बाकी दोस्तों देख सकते हो इधर बहुत ही ज़्यादा मतलब कोहरा छाया हुआ है, और अभी इस वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ में ही हैं, छत्तीसगढ़ बोले तो बिर्रा साइड में रुके हुए हैं पेट्रोल टैंक पे। रात को यहाँ पे 12 बजे पहुँच गए थे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सोने का प्लान था तो यहीं पे आके सोए थे। और बाकी देख सकते हो इधर का एरिया चेक करो, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई और इतनी ज़्यादा कोहरा हो गया है कि भाई गाड़ी चलाना ही मुश्किल है। सुबह मेरी तो 5 बजे नींद खुल गई थी, लेकिन देखते देखते अभी 7 बज चुके हैं, ठीक है। तो अभी सोच रहे निकल जाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं गाड़ी को क्योंकि सफ़र भी काटना है आप लोगों को। तो बाकी आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा। तो चलते हैं दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं, तो चलते हैं दोस्तों निकलते हैं। और अजीत भाई चलाऊंगा बोल रहा है अभी गाड़ी, तो इसी को चलाने देते हैं, धीरे धीरे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी शीशा भाई लगा लेते हैं क्योंकि भाई ठंडी ठंडी अपन तो स्वेटर पहन लिए दोस्तों, इतना मस्त मेरे को उतना ज़्यादा ठंड नहीं है प्रभु। तो देख सकते हो दोस्तों लेके निकल चुके हैं भाई गाड़ी, और बाकी ठंड देख सकते हो, कोहरा बहुत ही ज़्यादा है जो कि बहुत ही आराम आराम से चलना पड़ेगा, जो कि अजीत भाई चला रहे हैं ये देख सकते हो। यो दोस्तों यो देख सकते हो गाड़ी वाले को भाई, गाड़ी बहुत ही मतलब कम दिख रही है। लाइट वगैरह हम लोगों ने चला दिया है क्योंकि भाई लाइट जलाने से क्या है, आदमी को पहले पता ही चल जाएगा सामने वाले की गाड़ी आ रही है ऐसे टाइप का। उधर से जो गाड़ी आ रही है वो भी गाड़ी लाइट जला के ही आ रही है, तो हम लोग भी भाई लाइट जला के ही जा रहे हैं। और बाकी कोहरा चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला कोहरा है दोस्तों। खुल गया भाई जाम, खुल गया जाम, मत तो बोलता हूँ यार रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पर देख रहे हो गाड़ी पूरी जल फल के राख हो चुकी है, और ये मेरे सामने की बात है भाई, ये धीरे धीरे ये वाला रोड अपना चालू हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी पता है, क्योंकि ये वाला सीधा अपना हाईवे पे जुड़ेगा, मतलब ओवरब्रिज बना हुआ है जो कि दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से फिर हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगा यहाँ से रुकने का, सीधा हाईवे से निकलो टापो टाप। बाकी अभी नाश्ता वगैरह तो हुआ नहीं है भाई, नाश्ता वगैरह करेंगे आगे में जाके, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे का सिस्टम क्या होता है। भाई चलने में कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही बस ठंडा ठंडा मौसम है दोस्तों। चलो चलो अजीत भाई जाम मत लगाओ। दोस्तों ये है वो वाला ओवर ब्रिज जो कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ये जाएगा दोस्तों उधर सीधा उतरेगा, जो कि अभी इसमें तो वर्क हो रहा है, वर्किंग चल रहा है दोस्तों, इसमें देख सकते हो
पूरा उस तरफ उतरेगा सीधा, उसके बाद में इधर से भाई झंझट खत्म, सीधा ऊपरी ऊपर निकल जाओ, है ना। बाकी अभी धूम सब पूरा खत्म हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी। दोस्तों छाल वाले रास्ते में घुस चुके हैं, जो कि देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कचड़ा हो गया है भाई। ये रोड पता नहीं अभी कब बनेगा पूरा, बहुत ही मतलब यार बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम लोग भाई घरघोड़ा बाईपास से होते हुए चलते हैं, और आगे घरघोड़ा में नहाएंगे कि आगे में नहाएंगे ढाबा में नहाएंगे। अजीत भाई को ठंडी लग रही है, बताओ। घरघोड़ा में ही नहाएंगे भाई, चलते हैं सीधा कुनकुरी, बोलता हूँ यार तपकरा में खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद में वहीं पे नहा धो के वहाँ से निकलेंगे। ये दोस्तों तो अपना सफ़र रहेगा भाई जारी, कंटिन्यू गाड़ी चलेगी, और आप लोग हमारे साथ में बने रहो, एंड नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और आवाज़ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि भाई माइक है नहीं मेरे पास, माइक है जो उसका माइक का कनेक्टर टूट गया है, तो अभी मैं उसको रायपुर भेजा हूँ भाई, उसका नया माइक का मतलब कनेक्टर लेके आएगा, एक दोस्त को दिया है मैंने तो वो लेके आएगा भाई। इस चक्कर अभी जाते हैं ऐसे ही, उसके बाद में अपनी गाड़ी भी पकड़ लेंगे और अपना माइक भी आ जाएगा साथ के साथ, फिर बनेंगे भाई मस्त ब्लॉग, है ना। चलते हैं दोस्तों अभी, और ये गाड़ी तो भाई बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है, क्या करें सेठ ने हमको भाई भेज दी है, पानी भाई कमाना है तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब पुरानी रहे चाहे नहीं रहे, अपनी रोजी चल रही है तो लक्ष्मी समझो इसको, समझने क्या बात है भाई, समझना ही पड़ेगा। अपन लोग आगे में बढ़िया सा है, यहाँ पर झोपड़पट्टी पूरा नाश्ते का दुकान लगा रहता है, ये देख सकते हो। इधर ही साइड में रोकते हैं क्यों दोस्तों, नाश्ता करने के लिए बगल में भाई अपना ये देख रहे हो, ये टूट गया था अजीत भाई, अभी इसी को बांध रहे हैं, नहीं तो गिर जाता, अभी ध्यान नहीं देते तो। ये भी ढीला हो गया मेरे ख्याल से वाला भी नट, बाकी यहीं पे करना है भाई अपना नाश्ता गर्मा गर्म। गर्मा गर्म बना रहे, तो भाई लोग नाश्ता वगैरह तो हो गया अपना, अब निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी पार कर रहे हैं हम लोग लेलुंगा, लेलुंगा सिटी सीधा सीधा चला जाता है, और अपन को जाना है भाई इस साइड जाना है,
दोस्तों अभी हम लोग पार कर चुके हैं भाई कुनकुरी। कुनकुरी पार करने के बाद में ये है लोरो घाट, जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि ये देख सकते हो दोस्तों, चेक करो भाई। शाम के दोस्तों 6 बज चुके हैं और हम लोग पहुंचने वाले हैं अब झारखंड। यहां से रांची बचा हुआ 120 किलोमीटर, जो कि ये पुलिया पार करेंगे, उसके बाद में भाई झारखंड वाला एरिया अपना चालू हो जाएगा भाई। और कल सुबह जाके भाई अपनी गाड़ी खाली कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं उधर से क्या होता है भाई, माल वगैरह भर के आएंगे कि खाली आएंगे, तो कल के ब्लॉग में पता चलेगा आप लोगों को। एंड मौसम देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। झारखंड राज्य में फाइनली दोस्तों रात के करीबन बज चुके हैं भाई 9 और हम लोग पहुंच चुके हैं रांची बाईपास में, जो कि खड़े हैं ये देख सकते हो। तो यहीं पे होटल दिखा, तो होटल में भी खाना वगैरह खाते फिर उसके बाद में निकलेंगे। तो ऑर्डर वगैरह तो भाई दे चुके हैं, बाकी आज तो चलेगा हम लोगों का क्या क्या है भाई, दाल तड़का है और मिक्स वेज है और साथ में रोटी। फाइनली दोस्तों हम लोगों को खाना भाई आ चुका है यहाँ पर, मेरा मिक्स वेज है, अजीत भाई दाल तड़का, मतलब दोनों साथ ही में खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही खा लेंगे, क्या दिक्कत है। बाकी दाल तड़का है, ये मिक्स वेज और रोटी चलेगा हम लोगों को आज भाई, रोटी देख सकते हो कैसा है, टेस्ट बढ़िया है, ठीक है, मिक्स वेज देखते हैं ट्राई करते हैं, बाकी अपन भी ट्राई कर लेते हैं मिक्स वेज पहले। ऐसे भी दिन भर में आज खाना खा रहे हैं, क्या ही बोले, दिन भर गाड़ी चलाना हो गया। अरे चटनी देख सकते हो, बाकी पहुंच तो गए हैं दोस्तों रांची, अब खाली करेंगे दोस्तों सुबह, पार्टी वाले को कॉल करेंगे। तो दोस्तों खाना पीना तो भाई अपना हो गया था और प्लस ये वाली गाड़ी साथ में है, तो ये अपनी आगे में रुकी हुई है, और बाकी हम लोग पेट्रोल टैंक पे रुके हुए हैं ये देख सकते हो। यहीं पे हम लोगों का आराम होगा दोस्तों आज, और रांची में ही है, तो रांची हम लोगों को भाई वीआईपी मोड में जाके खाली करनी है गाड़ी कल सुबह, तो अभी यहीं पर ही हम लोग आराम करेंगे। और यहाँ से करीबन 30 नहीं बोल सकता, 15 किलोमीटर के आसपास होगा, तो वहाँ पर जाके भाई गाड़ी को खाली करेंगे। एंड आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक कर देना, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस यही चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक ठो प्यारे से नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहो।